ओनली 60 रुपीज पिज्जा। दुनिया का सबसे अद्भुत पिज्जा चीज डाला जा रहा है अच्छा खूबसूरत दिखने के लिए। पिज्जा उनको बहुत ज्यादा पसंद है। और ये देखिए यही है वो लोकेशन द बाइट। भैया थोड़ा सा आप इस जगह को आप एक्सप्लेन कर देना कि अगर कोई भी आएंगे यहाँ पे तो कैसे आ सकते हैं। पीतमपुरा मेट्रो के बगल में है लेकिन उसके बाद यहाँ पे ओयो होटल है। हाँ ये देखिए ओयो भी है इसके बगल में गेट नंबर 1 से निकल के। फिर जब पूछोगे भी ना द बाइट किधर है तो वो भी बता देगा। हाँ तो चलिए हमारा पिज्जा आने का वेट करते हैं। संडे को क्या होता है 10% डिस्काउंट रहता है। अरे वाह मतलब उसमें भी तो 54 रुपीज़ में पड़ेगा आपको संडे के दिन। अरे वाह गजब। और इनके यहाँ ही अब हमने रिक्वेस्ट किया था कि भैया आप जो है अब खाली बस पिज़्ज़ा खिलाते हो सबको ठंडा चाहिए होता है तो आप इसको रख लो। अभी भैया ने स्टार्ट किया है 2-3 ठंडा रखा है लेकिन ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप आओगे ना ये धीरे धीरे भट्टी चली जाएगी। और हम भी यही चाहते हैं क्योंकि देख रहे हो आप बिहेवियर बहुत बढ़िया इन लोगों का बहुत कूल है। ये देखिए इनके पास में बस पिज़्ज़ा ही नहीं है ये बाकी सारा बहुत सारा आइटम्स रखा है। और ये वॉल है इनका ये देखिए कितना बढ़िया बैकग्राउंड बनाया है और उतना ही बढ़िया यहाँ पे जो भैया लोग काम करते हैं। ये देखिए इनका मतलब तवा हमेशा गर्म रहता है इधर में कुछ कुछ बनाते रहते हैं लेकिन हम जब वो खाएंगे तो आपको हम फिर दिखाएंगे। अभी यहाँ पे कैप्सिकम काटा जा रहा है इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा रखते हैं। रीज़न मतलब दिखने में अच्छा दिखता है अच्छा दिखता है क्योंकि स्मॉल है तो बस इतना ही क्वान्टिटी का। तो ये देख रहे हो आप दुनिया का सबसे अद्भुत पिज़्ज़ा जो आपने अभी तक कभी नहीं खाया होगा और क्यों अद्भुत है वो भी आपको हम बताएंगे धीरे धीरे क्योंकि जायके का टेस्ट धीरे धीरे में मज़ा आता है। अब ये आ गया हमारा स्मॉल ट्रे ये हम रेडीमेड लेके आते हैं और ये हो गया हमारा टॉपिंग। ये क्या टॉपिंग है? हाँ इसमें क्या होता है? इसमें पिज़्ज़ा टॉपिंग रहता है मेयोनीज रहता है और एक इर्गिन जैसा ऑप्शन रहता है पूरा। इसको अच्छे से इसमें हो गया बढ़िया लेयर बन गया अच्छे से ठीक है। अब इस पर लाते हैं सबसे पहले ओनियन को। तो ये इस पर डाला जा रहा है अनियन हिंदी में बोले तो प्याज मराठी में बोले तो कांदा। बिल्कुल अलग अलग लैंग्वेज से है। ये प्याज पूरे अच्छे तरीके से वो कर दिया। इसके बाद हमारे होंगे कैप्सिकम। ये स्मॉल है तो उतना ज़्यादा वो नहीं हो पाता है अच्छे से मतलब। ये देखिए जानबूझ के हमने आपको जो है ना सबसे जो छोटी वाली एंट्री है वो पिज़्ज़ा जो बनाते हैं वो वाला साइज हमने आपको दिखाया है क्योंकि वो पता है इतना ज़्यादा अफोर्डेबल रेट है कि आप मतलब दिन भर में दो खा सकते हो 60 रुपीज़ ओनली। तो मतलब 100-200 सब तो आप देखे होंगे लेकिन 60 रुपीज़ का पिज़्ज़ा आपने अभी तक नहीं देखा होगा शायद क्योंकि हमने नहीं देखा था इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए अभी कितना खूबसूरत लग रहा है। ये हमारा चीज़ ऊपर से भी डले ओके इसमें चीज़ डाला जा रहा है पूरा। ये लग रहा है कि भर चुका है ये जो इसका बेस है इतना ज़्यादा चीज़ी है। मैं तो लास्ट में रखते हैं इसको ताकि दिखने में ओके तो ये देखो ठीक है पहले ये गार्निश करके डालते हैं इसको अच्छा खूबसूरत दिखने के लिए। इसको क्या करेंगे ओवन में डालेंगे ना। तो ये देखिए ये है हमारा मस्त अफोर्डेबल प्राइस पिज़्ज़ा जो अभी बनने से पहले का है ये रॉ मटेरियल है और इसका खासियत क्या है वो सारा हम बताएंगे आपको। तो चलिए फिर आपको ऐसा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और ये इनकी मशीन जिनमें जो है ना इसको बेक किया जाता है। और ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा गया अंदर और हमारे पास में अभी वो वाला कैमरा नहीं है जो इसके अंदर में डाल दे नहीं तो फ़ोन हमारा ख़त्म हो जाएगा इसलिए हम आपको इसमें नहीं डाल के दिखाएंगे। 5 मिनट में रेडी हो जाएगा ना। चलिए हमारा ये पिज़्ज़ा हो चुका है रेडी और ये देखिए अभी गर्मा गर्म ये लद के आ रहा है तवा पे। वाह वाह अरे वाह अच्छा वाला लुक। चलिए तो अभी होगा इसका कटिंग ये हाँ ये है ओरिगेनो और ये देखिए हमारा मस्त वाला पिज़्ज़ा बन के आ चुका है रेडी। और अभी ये डालेंगे अभी हम केचप केचप हमको बहुत ज़्यादा पसंद है पिज़्ज़ा में। सो हमारा क्रंची और ये देखिए मस्त वाला पिज़्ज़ा जो है तैयार है। चलिए नाउ आई कांट वेट Let's try this. बहुत बढ़िया है। कभी दिल्ली आइए और आप फूड ब्लॉगर हैं अगर
तो यहाँ पे आकर के जरूर ब्लॉग कीजिए। ये है नियर पीतमपुरा मेट्रो, शॉप का नेम द बाइट।